मैंने जितनी मेरी कोशिश थी कि ना को ना करते उतना ही। मम्मा चोरी पाली से सुनाना। मम्मा चोरी सुनाए। एक ना जो होता है ना होते हैं बर्डीज जो होते हैं पिजन्स। हाँ पिजन्स। हाँ उनका ना वो होता है वोल। वोल बोलते हैं परिंदों का जो ग्रुप होता है। ग्रुप? वो जो ग्रुप होता है ना उसी में वो हर वक्त ना जहाँ पे भी जाते हैं ना इकट्ठे जाते हैं। तो ताकि हम जहाँ जाएँ खाना खाएं और इकट्ठे रहना आपको पता अच्छी बात भी है ना। अगर आप अलग अलग रहेंगे तो फिर बुरी बात होगी। आपको अच्छा इकट्ठा रहना चाहिए। तो ना उनको ना बड़ी ज़्यादा ना भूख लगी होती है तो बेचारे इतना दूर दूर जा के देखते हैं लेकिन कहीं पर उनको खाना नहीं नज़र आता। तो एक जगह देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ना खाना पड़ा होता है बहुत ज़्यादा। तो वो कहते हैं कि एक ना वो देख लेता है जो होता है पिजन। तो कहता है मुझे ना बड़ी ज़्यादा भूख लगी है मुझे वो खाना नज़र आ रहा है। तो सारे दूसरे बर्डीज कहते हैं ऐसा करो कि ना खाना हम आगे जाके देखते हैं तो वहाँ से ये कोई खतरे वाली बात ना हो। कहते नहीं नहीं मुझे बड़ी ज़्यादा भूख लग रही है वो ना इस तरह करके कहते हैं तो ताकि खाना जो है ना मिल जाए खाना। खाना तो ना वो फिर उसकी वजह से ना सबको ना नीचे उतरना पड़ता है। तो नीचे जब खाना खाते हैं सबको रात के बेचारे ना भूखे होते हैं। ये मैल देख रही हाँ मामा चले ऐसे तो ना सबको ना खाने की वजह से ना नीचे उतरना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि ना सारे पेट भर के खाना रात के भूखे होते हैं तो खाना खाना है। तो अच्छा अच्छा जोर से ना किए अच्छा सारे ना खाना खाते हैं उनको बड़ा ही मज़ा आता है खाना खाने का ना। थोड़ी देर बाद देखते हैं तो उनके ऊपर ना एक नेट आ गिरती है नेट पंजे को। हाँ ट्रैप करता है ना कोई आदमी ने उसने जाल बिछाया होता है तो उसने प्लानिंग से ना उनको बर्डीज को नीचे बुलाते हैं तो सारे जो कबूतर हैं ना उसके अंदर फंस जाते हैं तो रोने लग जाते हैं हाय अब हमारे साथ क्या होगा। जो जिन्होंने मना किया था ना ऐसे करेंगी तो मैं करूँगी ना जिन्होंने मना किया था ना जिन बर्डीज ने वो कहते हैं देखा हमने कहा था ना कि ये मना हो जाओ लेकिन आप लोगों ने ना बात नहीं मानी अब देख लो अब हम फंस गए हैं। तो उनमें से कुछ जो होते हैं ना वो बड़े समझदार भी होते हैं वो कहते हैं तो ऐसा करते हैं हम कोई आइडिया सोचते हैं कहते क्या क्या प्लानिंग करें। कहते कुछ ना कुछ बेटा प्लानिंग करते हैं। तो ना वो सोचते हैं वो सारे कहते हैं जब ना रात हो जाएगी ना तो हम ना इसको ना काटना शुरू करेंगे इसको जो वो जो ट्रैप है जो जाल होता है नेट। कहते हैं हाँ चलो सही है वो ना सारे एक एक जगह से काटना शुरू करते हैं कोई एक जगह से काटता है कोई दूसरी जगह से काटता है। इतना ज़्यादा जब काटते हैं ना तो काट काट के ना तो नेट जो है ना वो फटता जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। सारे शुक्र अदा करते हैं और सारे आज़ाद हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। और इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि दूसरों की जो कहते हैं दूसरे उनकी बात माननी चाहिए और इकट्ठे रहना चाहिए। अगर वो एक एक पिजन होता तो उसने कर सकना था ऐसे तो जो है ना इकट्ठे रह के ना सारा काम करना चाहिए। ये मैं और हमें होशियार भी बना रही है होशियार दूधी मामा एक और सुनाए। एक मिनट मैं एक और कॉटन बर्ड साफ की ना। अच्छा मामा जरा मुझे एक और सुनाए ना। एक और अच्छा एक और आगे जो है को वो मैं सुनाइए वो वाली सुनाओ। हाँ जो एक ना वो होता है रैबिट और एक होता है वो टर्टल जो कछुआ आता है। कहता है कि ना मेरे साथ ना रेस लगाओगे। कहता हाँ मैं लगाऊंगा लेकिन मुझे पता है कि टर्टल मैं आपसे जीत ही जाऊंगा। वो कहता है मैंने ये स्टोरी सुनी है। अच्छा सुनी है हाँ पर आप सुनाए। तो ना वो कहते हैं मम्मा इतनी ज़्यादा मारी है मैं मैल निकाल रही हूँ जान पर इतना ज़्यादा क्यों मारी है दर्द होती है। ये देख अच्छा मम्मा जरा मुझे स्टोरी भी तो सुना देना। हाँ वो कहता है कि मैं ना मैं ही जीतूंगा मुझे पता है।
खरगोश कहता है। खरगोश बड़ा तेज भागता है ना, और टर्टल से चलता है। उसके बाद जब होती है रेस तो वो एक दरख्त पे जाके दरख्त से आराम करता है, आराम करता है खरगोश और सो जाता। कहता है वो तो अभी इतना स्लो है तो मैं यहाँ बैठ के आराम कर लेता हूँ। तो वो इतने दो खंडे हो जाते हैं तो वो खरगोश ना उसके पास आ जाता है। तो वो जब आंखें खोल के देखते हैं ना, खरगोश जो वो इतनी तेजी से भाग के जाता है ना, तो वो देखते हैं कछुआ जी ताकता है। अच्छा मम्मा से आपसे नहीं, अब मैं आपको एक और सुनाती हूँ। मेरे जहन में ना एक और आ रही है। एक ना किसान होता है, तो किसान की ना चार बेटे होते हैं। किसान किसान बोलते हैं ये जो गंदम वगैरह की फसल नहीं लगाते, जैसे यान अब्दुल्ला के गांव में जाते हैं, अलियान के गांव में, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदम भी होती है और वो भी होती है, वो फ्रूट्स के बाग भी होते हैं। क्या कह रही है बेटे, मैं निकाल ही हूँ, आप आगे आगे कह रही। तो ना उसके चार बेटे होते हैं, लेकिन चारों बेटे जो होते हैं ना वो बड़े ज़्यादा ना वो होते हैं, बात नहीं मानते, सीधी हो मैंने बात नहीं मानते, बात नहीं मानते। अच्छा चलो मम्मा बताएंगी, इधर मेरी तरफ करो, मैं आपके नेल्स काटूं। ओके। वो ना बात नहीं मानते अपनी ना। वो देखिए एक छोटी सी कैट हो, वो अपने खाली कर रही है। ओए वो ना बात नहीं मानते ना, तो कहती है उस किसान बेचारा बड़ा परेशान होता, कहता है मैं कैसे इनको समझाऊं, ये समझते नहीं है और अपनी अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते, मैं क्या करूं। किसान और उनको ना हर वक्त कहते हैं कि किसान कहते हैं कि ना आप लोग ना कट्ठे रहा करो, कट्ठे मिलके काम किया करो, लेकिन वो लोग कहते हैं हमने लहदा लहदा रहना है, हमने नहीं, मेरी इसके साथ नहीं बनती, मेरी इसके साथ नहीं बनती, इस तरह करके ना। तो वो एक अपने बाबा की बात नहीं मानते, तो उसके बाबा कहते हैं तो मामा नहीं आती उनकी, होती है मामा। तो ना लेकिन वो लड़के होते हैं जैसे जहेर बाबा की बात मानता, हमारी बात मानता, जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर बच्चे आपको पता आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा मामा। उसके बाबा के जहन में ना एक आइडिया आता है, वो कहते हैं कि ना मैं ना बीमार हो जाते हैं, वो जो किसान अंकल होते हैं ना बीमार हो जाते हैं, तो उनके जहन में ना एक आइडिया आता है। तो वो अपने जब बीमार होते हैं तो वो कहते हैं कि ना मैं चाहता हूँ कि मेरी ना जब मैं हो जाऊँ, मेरी डेथ हो जाए या बूढ़ा हो जाऊँ ना, तो मेरे ये जो ज़मीन है ना, मेरा जो पैसा है, ये किसी ऐसे मेरे बेटे के पास जाए जो बड़ा ही ज़्यादा समझदार हो। वो सारे कहते हैं बाबा हम हैं ना, मैं समझदार हूँ। एक कहता मैं समझदार हूँ, तो वो कहता है मुझे नहीं पता मेरा कौन सा बेटा समझदार है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, मैंने ना ख़जाना छुपाया है। तो ना कहते हैं अच्छा बाबा, सारे कहते हैं अच्छा बाबा आपने खजाना छुपाया है, कहाँ छुपाया है, कहाँ छुपाया है। तो कहते हैं वो कहते हैं किसान अंकल कि मैंने छुपाया तो है, लेकिन ना मुझे ये नहीं याद आ रहा कि मैंने कहाँ छुपाया है, मैंने अपनी ज़मीनों में छुपाया तो है, आगे से सिर्फ काटती हूँ, लेकिन ये नहीं याद आ रहा कि मैंने कहाँ छुपाया है, मुझे तो कुछ नहीं याद आ रहा। तो आप लोग ऐसा करो कि आप ना जाके ज़मीनों पे ना जहाँ पे हमारी फसलें हैं ना वहाँ पे जाके ना देखो, आप आपको शायद पता चल जाए। तो ना वो सारे भाई जाते हैं हर जगह से ना खोदना शुरू कर देते हैं, कभी एक एक जगह से खोदता है, कभी दूसरा दूसरी जगह से, तो लेकिन कहीं से नहीं निकलता वो जो आइडिया देने के लिए उनको। नहीं क्या खजाना भी होता है सच्ची होता है। हाँ मैं बताती हूँ ना एंड में वो खजाना आपको पता चलेगा क्या। तो ना वो कहती हैं ए ना ये सारे ना थक जाते हैं, उनको खजाना नहीं मिलता। तो एक ना जब थक जाते हैं ना, पाँव करो, पाँव के भी करो। ओके। जब थक जाते हैं क्रॉस लेग करो। ओके मामा। ऐसे करो। कैसे करूँ? चलो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, पाँव रख दो ना इधर। हाँ, कहते हैं वो जब थक जाते हैं ना तो वो कहती हैं कि ना यार हम लोग तो थक गए हैं, पता नहीं बाबा ने कहाँ पे छुपा दिए, हमें नहीं समझ आ रही। तो ना उनके जहन में ना सब सारे तरकीबें लड़ाते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता चलता कि कहाँ पे बाबा ने छुपाया। तो ना इनमें से एक कहता है क्यों ना ऐसा करें कि सारे एक ही जगह हम खोद के देखें, तो हो सकता है हमें वहाँ से खजाना मिल जाए। तो
करती हैं। हाँ मतलब सारे आपको पता ना शुरू से लदा लदा काम करते हैं ना, लेकिन इस पॉइंट पे आके ना सारे कहते हैं हाँ ऐसा करते हैं। सारे जो है ना अपनी अच्छी तरह ज़मीनों की एक एक जगह से खुदाई करते हैं, लेकिन कहीं से भी उनको कुछ नहीं मिलता है अभी। तो घर जाते हैं, तो घर जाके बाबा को कहते हैं, लेकिन सारी जो खुदाई हो जाती है ना फिर उस जगह फसलें लगाते हैं ना, तब सारा काम हो जाता है। तो अपने बाबा को घर जाके कहते हैं, बाबा हमने सारी जगह खोद ली है लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं निकला, आपने पता नहीं कहाँ छुपाया है। फिर वो एक बेटा कहता है, हम सब ने फिर मिलके एक एक जगह पूरा हमने अपनी जो ज़मीन है ना वो सारी खोद दी है, सारी खुदाई कर दी है, लेकिन बाबा कहीं पे भी नहीं निकला। वो कहते हैं, मेरे बेटो यही तो मैंने आप लोगों को समझाना था, जब आप लदा लदा काम करोगे तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अब आप लोगों ने मिलके सारे फसलों की खुदाई कर दी है, अब हम फसलें उगाएंगे, नई नई फसलें उसमें करेंगे, काश करेंगे, हमें गंदम वहाँ से मिलेगी, हमें चावल मिलेंगे, हमें इतना ज़्यादा चीज़ें हम वहाँ पे जो है उनकी उनको ग्रो कर सकते हैं, इतने ज़्यादा हम दरख्त लगा सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं। तो यही तो लेसन था कि आप लोगों ने जब भी कोई काम शुरू करो आप सारे भाई इकट्ठे मिलके शुरू करो। जब सारे इकट्ठे मिलके शुरू करोगे तो क्या होगा कि उसमें बरकत होगी, उसमें हमें फ़ायदा होगा। तो ये था एंड ऑफ द स्टोरी। अब आप बताओ आपने इसमें क्या लेसन सीखा, आप और जेर को क्या करना चाहिए? इकट्ठे काम, इकट्ठे रहना चाहिए, इकट्ठे काम करेंगे, मिलजुल के करेंगे, लड़ेंगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी। मिलजुल के मामा, लेकिन बड़ों को भी मारे, बड़ों को भी चाहिए। हाँ जी, मैं पता कैसे लड़ाई करती हूँ, क्योंकि वो ना मुझे एंगी करता है तो मैं ना गुस्सा हो जाती हूँ, इस वजह से मुझे उस पर गुस्सा आता है और हम दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बुरी बात है ना, आप बड़ी, तो मैं कैसे उनको कंट्रोल करूँ? आपको चाहिए कि उसको समझाया करो। मैं समझाती हूँ, देखो बाबा लड़ते हैं अपने बहन भाइयों के साथ, नहीं लड़ते हैं। तो इसी तरह सब आप लड़ती हैं? छोटे होते लड़ रही थी, छोटे होते तो सबकी हल्की फुल्की तो लड़ाई होती है, लेकिन ऐसे तो नहीं मामा ये मुझे दे दो, मामा ये मुझे मारता ही करके तो नहीं ना। तो हमेशा जो यूनिटी जो होती है ना वो अच्छी चीज होती है।